तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और न्यूडो सत वापस। तो यहाँ पर फाइनली मैंने परचेस कर लिया रियलमी नार्जो 10। तो गाइज मैंने क्यों परचेस किया यहाँ पर, तो मैंने परचेस किया गाइज इसे गेमिंग के लिए, और मेरे पास जितना बजट था गाइज ये मुझे बेस्ट लगा ये डिवाइस, तो मैंने ले लिया। और गाइज सब पूछेंगे कि रेडमी नोट 8 प्रो भी बेस्ट था, पोको F1, तो ये सब के लिए यार उतना बजट मेरे पास नहीं था। जितना बजट रेंज में जितना मतलब आया ये डिवाइस मुझे बेस्ट लगा, तो मैंने इसे परचेस कर लिया। और गाइज मैंने इसे दुकान से परचेस किया, मतलब शॉप से, ठीक है। तो शॉप में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, और ऑनलाइन से आप बुक कराओगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से तो आपको 13,000 में ही मिल जाएगा। बट वहाँ पर गाइज बाय नाउ नहीं आता, अभी नोटिफाई आ रहा, मतलब स्टॉक शायद फुल है। तो गाइज छोटा सा अनबॉक्सिंग यहाँ पर आपको दिखाते हैं। फाइनली यहाँ पर हमें बिल मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर मैंने दुकान से, मतलब जैसे कहा, मैंने शॉप से लिया, ठीक है। तो बिल को साइड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ और है और क्या कुछ नहीं है। तो फाइनली आपको तो पता ही है सबको इसमें क्या रहता है, एक जेली कवर रहता है। तो देखते हैं जेली कवर कैसा है। तो गाइज रियलमी का जो जेली कवर रहता है गाइज बहुत ही मतलब हार्ड भी रहता और अच्छा रहता है, ठीक है। मतलब ये लगता है कि दम है इसमें, ठीक है। तो चलो इसे भी साइड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है गाइज एक पिन जो आपको पता है सिम स्लॉट निकालने में काम आता है, जिसमें आप मेमोरी और सिम वगैरह मतलब ये करते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर फ़ोन है हमारा, ठीक है। तो चलो फ़ोन को देखते हैं, यहाँ पर लुक देखते हैं इसका गाइज। तो गाइज यहाँ पर बहुत ही अच्छा लुक है, नॉर्च है गाइज यहाँ पर। ऊपर से कैमरा देखो, यहाँ पर क्वाड कैमरा मिल जाता है। लुक देखो गाइज, मतलब क्या ही साइन कर रहा है। रियलमी का लुक यार बैक से तो काफ़ी अच्छा दिखता है, और एक फिंगरप्रिंट भी आपको पीछे मिल जाता है गाइज। लुक तो अमेजिंग है। साइड से एक बार देखो, यहाँ पर साउंड से के स्पीकर से, यहाँ पर देखो आगे, तो यहाँ सिम स्लॉट वगैरह और साउंड बटन भी है। तो गाइज बहुत ही अच्छा है, मतलब लुक के मामले में तो यार क्या ही बताएं आपको। फिलहाल इसे थोड़ा साइड करते हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या कुछ है। और फाइनली यहाँ हमें एक चार्जर मिल जाता है गाइज, जो टाइप सी का, और बहुत ही अच्छा है, फास्ट चार्जर है, ठीक है। तो गाइज बहुत ही अच्छा है कहीं ना कहीं। और हमें मोबाइल में मिल जाता है गाइज बैटरी जो आपका 5000 mAh का, ठीक है। तो गाइज बहुत ही अच्छा mAh का बैटरी है यहाँ पर, गेमिंग के लिए तो मतलब सही है यार। गेम खेलो अच्छे चल लेते हैं यहाँ पर। और मैं आगे आपको और वीडियोज़ लाऊंगा इसका गेमिंग का, तो आप लोग तो देख के जानोगे इसमें गेमिंग क्या चलता है। खैर गाइज यहाँ पर चलो फ़ोन को थोड़ा ऑन करते हैं और इसमें दिखाते हैं क्या कुछ है, मैंने कौन सा मतलब वेरिएंट वाला बुक किया यहाँ पर। बुक नहीं, मतलब शॉप से ही लिए गाइज, ठीक है। तो चलो यहाँ पर सेटिंग्स पे आते हैं और दिखाते हैं। फिंगरप्रिंट तो यार बहुत ही फास्ट काम करता है इसका। खैर सेटिंग्स पे आते हैं यहाँ पर। तो गाइज सेटिंग्स पे जैसे आते हैं, यहाँ पर अबाउट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये कौन सा वेरिएंट है। तो गाइज इसका एक ही वेरिएंट आता है, 4GB RAM वाला, ठीक है। तो मैंने 4GB RAM वाला यहाँ पर परचेस किया, आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो देखो यहाँ पर गाइज 4GB RAM वाला है, और इंटरनल स्टोरेज जो गाइज डिवाइस स्टोरेज है गाइज इसका मतलब 128GB का, जो बहुत ही बेस्ट लगा मेरे को, ठीक है। तो यार रिकॉर्ड करो, कोई भी तकलीफ नहीं होगा, लेग वगैरह नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा TDM आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर लेग देखने को मिलता है ये नहीं, आप कमेंट जरूर करना गाइज, बहुत ही स्मूथ इसमें चलता। चलो लेट्स गो, देखते हैं यहाँ पर पबजी भी कितना लेट में ओपन होता है और क्या नहीं। तो यहाँ पर कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया गया वीडियो को, हम पबजी देखते हैं कितना लेट में ओपन होता है या फिर कितना फास्ट होता है। तो गाइज मेरे को लगता है यहाँ थोड़ा सा मतलब फास्ट ही है, मतलब जो रेडमी वाई 2 तो यार बहुत ही स्लो करता है हमारा अपलोड, मतलब लोअर डिवाइस तो बहुत मतलब लेट में ही ओपन होता है। तो गाइज यहाँ पर देखो इसका प्रोसेसर जो गाइज आपने तो देख ही लिया, G80 है, और नोट 8 प्रो में जो रेडमी नोट 8 प्रो आता है उसमें आता है G90, और इसमें है गाइज G80। तो गाइज चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम TDM खेल लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ चलता है और किस में खेलेंगे गाइज। सेटिंग्स में एक बार दिखाते हैं हम इसमें स्मूथ और अल्ट्रा पे खेलेंगे यहाँ पर। तो चलो यहाँ सेटिंग्स दिखाते हैं, स्मूथ अल्ट्रा है गाइज, यहाँ देख सकते हो कलरफुल भी है। अब बेसिक्स पे आपको हम दिखा देते हैं, जायरो भी हमारा ऑन है। तो गाइज जायरो का भी कोई मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं, यहाँ जायरो भी क्या ही चलता है आप देखो। तो यहाँ पर अब TDM चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा चलता है। जब देखेगा ना वीडियो डाटा तुमको पता चलेगा बहुत अच्छा खेला है, अच्छा लग रहा है। क्लैरिटी है मेरा वाला देखना, तुम फैन हो जाएगा, बहुत खतरनाक क्वालिटी वाली है। Let's go. Our team has scored for the first time.
team is heading to a perfect win. तो फाइनली गाइज यहाँ पर हम मैच जीत चुके हैं। तो गाइज एक बात बता दूँ, ये जो डिवाइस है गाइज मतलब मिड रेंज में जो मतलब बजट आपका जितना है मतलब 13,000 तक बजट है या 14,000, तो ये फ़ोन ले लो यार, बेस्ट है मतलब गेमिंग के लिए तो सही है। तो यार वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल में न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।